हेलो हेलो नहीं यार, अभी 7:30 बजे। Such a force is known as central force, जो कि एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो, टुवर्ड्स ही आवे, और मैग्नीट्यूड जो हो जिसका उस दूरी पर ही डिपेंडेंट हो, एंगल पे डिपेंडेंट ना। आप जानते हैं कोई सेंट्रल फोर्स को? कौन सा? ग्रेविटेशन पढ़ लिया आपने? बुक में पढ़ा था कि सेंट्रल फोर्स होता है। कोई फोर्स जो आप यूज कर रहे हो, जिम एम बाहर स्क्वायर तो आप यूज करते नहीं है, करते नहीं? अपन तो एमजी वाला यूज करते ना, यूनिफॉर्म वाला। एनीवन एल्स जो आप यूज करते हो सेंट्रल फोर्स हो? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। यदि ये नेचुरल लेंथ से एल नॉट प्लस एक्स है तो फोर्स इधर लग रहा होगा, हां कि ना? यदि इधर है तो उधर लग रहा होगा, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी, अलग होगी यदि एक्स बराबर है तो। मतलब आर पे डिपेंडेंट है ना, सिर्फ एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या हो गया? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, प्रूव करके लाइएगा दैट ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। प्रूफ कैसे होगा? रैंडम सा पाथ लीजिएगा, ऐसा कुछ, और इस पाथ पे आप देखेंगे कि वर्क की कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट आ जाएगी बात के। यदि हम किसी रैंडम पाथ पे प्रूव कर दे तो सही है, फिर और क्लोज पाथ में जीरो आएगा ये भी प्रूव करेंगे साथ साथ, है ना? दोनों काम करेंगे, सिर्फ ये नहीं प्रूव करेंगे, क्लोज पाथ में जीरो आ रहा है ये भी कर लेंगे। गॉट इट? हेलो, अरे आ गया कि नहीं आ गया यार? पक्का? तो प्रूफ करके लाइएगा। ठीक है, बस इतना ही है। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं, राइट? और इसके बाकी के एग्जांपल है कूलम फोर्स एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशन, वो भी कंजर्वेटिव होते हैं और सेंट्रल भी होते हैं। ठीक है, बड़े आगे और क्या? और क्या बोला था मैंने? वो एक सवाल क्यों गलत होता है आपसे, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ ना, कोई सोच पाया? व्हाट इज मिस्टेक इन योर सॉल्यूशंस? नो, बोलिए। वो ले लीजिए। नॉनसेंस। ओके, इस सवाल में यह था कि मिनिमम एम वन कितना हो कि एम टू उठे। सबसे क्रिटिकल वर्ड है यहां पे मिनिमम। आपके आंसर्स इसलिए सारे बकवास हैं क्योंकि नन ऑफ देम कवर्स वर्ड मिनिमम। आपने मिनिमम की कोई कंडीशन का बारे में सोचा नहीं, बोला नहीं, इसलिए जो भी आपके सॉल्यूशंस थे वो गलत है, बिकॉज दे डू नॉट कवर मिनिमम। द क्वेश्चन इज नॉट कितना मास हो एम वन की एम टू उठ जाए। 10,000 किलो उठ जाएगा, राइट? ये प्रश्न नहीं है।
प्रश्न यह कितना मिनिमम M1 रखूं, मतलब कि उससे कम रख दूं तो फिर ये नहीं उठेगा, या फिर यदि ये वाला सवाल था मुझे M1 M2 याद नहीं है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट. द इरोडोफ क्वेश्चन इज नॉट दिस कि व्हाट फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड सो M2 मूव्स. म्यू M1 प्लस M2 जी मल्टीप्लाइड बाय 10,000 पक्का हिलेगा कभी ना कभी. तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट मिनिमम फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड एंड नन ऑफ योर सॉल्यूशंस थिंक और कैप्चर द वर्ड मिनिमम. कि जी उससे कम फोर्स लगे तो M2 नहीं हिलेगा. आपने जो इसका सॉल्यूशन दिया था यदि आपको याद हो, या इसका जो दिया था, दोनों एक ही सवाल है मेरे हिसाब से, तो इसके सॉल्यूशन में आपने बोल दिया था फोर्स इज इक्वल टू म्यू M1 प्लस M2 जी. मतलब आप कह रहे हैं कि यदि मैं इससे कम फोर्स लगाऊंगा तो ये नहीं हिलेगा. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट. लेट्स से कि मैं म्यू M1 प्लस M2 जी फोर्स लगाता हूं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मुझे यही प्रूव करना है ना गलत है, राइट. तो यदि मैं इतना फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, सुनते रहिएगा. There would come a moment जब ये फोर्स शुरू से लग रहा है, राइट. ये फोर्स शुरू से लग रहा है, ओके. तो केक्स की वैल्यू राइट, और ये म्यू M1 जी. अभी ये पूरा एक्सटेंशन नहीं हुआ है, ओके. तो बड़ा कौन होगा, F की म्यू M1 जी प्लस केक्स F. इसका मतलब इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी इधर होगी, इसका मतलब इसका एक्सटेंशन चल रहा होगा. इनफैक्ट जब केक्स की वैल्यू म्यू M2 जी होएगी, जब केक्स की वैल्यू म्यू M2 जी होगी, तब तक भी इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट ही होगी. नेट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट ही होगी. यदि तब तक भी इस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट ही होगी तो क्या प्रॉब्लम है, सुनाई दे रहा मुझे. मैक्सिमम एक्सटेंशन अभी नहीं हुआ है, अभी तो और एक्सटेंशन हो सकता है. इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर अभी म्यू M2 जी से बड़े फोर्स लगने वाले हैं. इसका मतलब आपने जो F लगाया वो ज्यादा लगा दिया. क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आगे जाके म्यू M2 जी से भी बड़े फोर्स लग रहे हैं. KX की वैल्यू म्यू M2 जी से बड़ी होगी क्योंकि अभी मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं हुआ है. इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत. क्यों, क्योंकि इससे छोटे फोर्स पे भी ये मूव कर सकता होगा कि इतना फोर्स लगे कि जब KX बिकम्स इक्वल टू म्यू M2 जी at that moment, I'm not saying A1 is zero, na. If V1 is zero at that moment, then the force that you have applied is bare minimum. क्यों, क्योंकि उससे कम फोर्स कर दिया तो KX खुद कभी म्यू M2G के बराबर ही नहीं हो पाएगा. जबकि इस वैल्यू, जबकि हमने इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है F इंटू एक्स माइनस म्यू M1 GX माइनस हाफ KX स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो माइनस जीरो. इससे जो सॉल्यूशन आता है F की वैल्यू ऑलराइट, वो सही होगी. क्यों सही होगी वाली वैल्यू जो इससे सॉल्यूशन आएगी, क्योंकि इससे यदि मैंने फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो जब KX की वैल्यू म्यू M2 जी होगी तो M1 की वेलोसिटी जस्ट थोड़ी सी ज्यादा हुई होगी. KX की वैल्यू जस्ट म्यू M1 जी से थोड़ी सी ज्यादा हुई, मतलब क्योंकि KX की वैल्यू जैसी म्यू M2 जी हुई होगी उस समय M1 की वेलोसिटी जीरो से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब थोड़ा सा और एक्सटेंशन होगा. बट बस अब और एक्सटेंशन होना संभव नहीं है, चीजें वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलती है. ऐसे इसमें भी मैक्सिमम एक्सटेंशन तब नहीं होगा जब M1 का एक्सेलरेशन जीरो है, तब होगा जब M1 की वेलोसिटी जीरो है. और मैक्सिमम एक्सटेंशन पे M2 उठा तो
तो हमने M1 सबसे कम रखा था. M1 सबसे कम रखने के लिए M2 के मूव होने के लिए मैक्सिमम एक्सटेंशन होना चाहिए, ना कि M1 इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. और मैक्सिमम एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम में नहीं, जीरो वेलोसिटी में होता है. शेमफुल, 15 दिन हो गए सवाल दिए हुए और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए. रियली शेमफुल, शेम ऑन यू. मैं बोल चुका हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. क्लास इज ओवर. HCV बची कुछ ही अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल सब्जेक्टिव्स, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ. ओके, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे. आगे के सवाल बहुत टफ है HCV के, वर्टिकल सर्कल के, तो हो सकता है आपसे ना हो. घबराइएगा मत, कुछ नहीं, सीखेंगे. ओके, या तो होंगे या सीखेंगे. नो फेलियर. या तो सही या सीखेंगे. तो ये हम लोग कल अगली क्लास कल डिस्कस करेंगे और कल हम लोग मोमेंटम शुरू करेंगे. ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. क्लासेस ओवर.